हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी आपको क्या बताना चाहते हैं अर्जेंटली अभी आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी लाइफ के लिए। सो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस है फ्रॉम हनुमान जी की। आप ये वीडियो देखो, आपके लिए मैसेजेस इसमें होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैसेजेस देखते हैं हम हनुमान जी की साइड से कि वो क्या बताना चाहते हैं अभी आपको। सो वी हैव 9 of Swords, 6 of Swords, 3 of Wands। सबसे पहले तो हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं कि आप जिस भी बात को लेकर परेशान हो ना, वो परेशानी आपकी लाइफ से दूर जाने वाली है। आई नो कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत टेंशन में रह रहे हो, उसी बात को सोचते रहते हो, कोई ना कोई इशू चल रहा है लाइफ में, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई मनी इशू है, कोई रिलेशनशिप इशू है, करियर इशू है, कुछ भी फैमिली इशू हो सकता है कोई, लेकिन कोई ना कोई टेंशन है आपकी लाइफ में जो आपको रात को सोने नहीं देती है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, नेगेटिव सिनेरियोज चल रहे हैं आपके दिमाग में उस चीज़ के रिगार्डिंग, ढंग से सोच नहीं पा रहे हो, ढंग से सो नहीं पा रहे हो, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत डार्क सा फील हो रहा है, अकेला फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से डिप्रेसिंग फील हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। तो वो जो भी टेंशन है ना आपकी लाइफ की, वो आपकी लाइफ से दूर जा रही है। आपको फाइनली उस चीज़ से रिलीफ मिल रहा है, आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, और वो जो एक टफ टाइम फ्रेम था ना आपकी लाइफ का, वो अब आपकी लाइफ से दूर होने वाला है और आप एक पॉजिटिव लाइफ में एंटर कर रहे हो, पॉजिटिव एरिया में एंटर कर रहे हो, जहाँ पे आपको आपका फ्यूचर जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी क्या आप देख नहीं पा रहे हो अपने फ्यूचर को बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी इन योर लाइफ। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, लेकिन सडनली अब एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन आपकी लाइफ में निकल रहा है। आप भगवान से बहुत प्रेयर भी कर रहे हो इस टाइम कोई ना कोई सोल्यूशन दिखाने के लिए आपको, तो वो सोल्यूशन आपके सामने आएगा और डिवाइन आपको वो सोल्यूशन देंगे। आपका कोई भी काम अटका हुआ था, वो काम बन रहा है आपका। आप कहीं जाना चाह रहे थे बाहर, तो आप वहाँ बाहर जा पाओगे, राइट। तो जो भी आपके काम है ना, वो यहाँ पे बन रहे हैं। देन वी हैव हैंगमैन। सो आपको रियलाइज़ होगा, जब ये आपका काम हो जाएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा क्यों ये चीज़ हुई थी मेरी लाइफ में। सडनली आपका जो पर्सपेक्टिव है ना आपकी लाइफ को लेके, वो बदल जाएगा। आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ मेरी लाइफ में इसलिए हुई थी बिकॉज मुझे ये चीज़ सीखनी थी, क्योंकि मेरी लाइफ में ये होना था। तो आपका जो नज़रिया है लाइफ को देखने का, समझने का, सडनली दैट विल चेंज। यू विल रियलाइज कि कुछ चीज़ें लाइफ में किस लिए होती हैं, तो यू विल कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है मेरी लाइफ। 3 of Cups, तो आपको सेलिब्रेट कर रहे हो आने वाले टाइम में, कोई ना कोई गैदरिंग हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे लोगों से आप उठ बैठ रहे हो अच्छे लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं आपका माइंड बॉडी और सोल जो है वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं। देन वी हैव द सन। कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है जल्दी, कोई मैनिफेस्टेशन अगर मांग रहे हो तो वो पूरी होगी, या फिर कोई काम था आपका अटका हुआ, वो काम यहाँ बन रहा है। हेल्थ इशू आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट वर्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में कुछ चैलेंज था वो चैलेंज यहाँ पे ओवर हो रहा है। एज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली करियर वाइज। अगर बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग थी, समझ नहीं आ रहा था, मनी फ्लो नहीं था लाइफ में, इनकम फ्लो नहीं था, या फिर करियर वाइज यू नो आपके पास जॉब नहीं थी, या जॉब आपको चेंज करनी, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो रही है। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी जो है आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है, स्पेशली इन द नेक्स्ट 1 month। एंड वी हैव 8 of Wands, सो अब जो डिलेज हैं आपकी लाइफ के, वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं, और जो डिलेज अब ख़त्म होगी, चीज़ें जो है वो स्पीड पकड़ेंगी आपकी लाइफ में। ये नहीं कि अब बहुत स्लो होगा आपकी लाइफ में काम, अब बहुत फास्ट स्पीड से जो चीज़ें हैं ना वो आपकी लाइफ में चलेंगी, और जल्दी जल्दी जो है आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से देखते हैं, हैप्पी एंडिंग। सी, चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन एंडिंग तो हैप्पी होनी, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी बिगनिंग, ये होना है आपके साथ। सो टेंशन मत लो, एंड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए।
देन वी हैव नेचर, थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है? आप बहुत अंदर अंदर रह रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, इट्स लाइक नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को, दिमाग को थका रखा है आपने, जस्ट गो आउट इन ग्रीनरी, स्पेंड सम टाइम इन नेचर, यू विल फील गुड। देन सेल्फ डिसिप्लिन, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके खुद के मेहनत और डिसिप्लिन से भी सही हो जाएंगी। इफ़ यू फील कि आपके साइड से कुछ कमी है, कोई आप एफर्ट कम डाल रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो आप खुद सोचो कि आप कहाँ, आपकी लाइफ से कहाँ कमी हो रही है, आपकी साइड में क्या गलती है जो आप कर रहे हो, जो आपको सही करनी चाहिए। तो कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं, राइट? सो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपका जो रूटीन है वो सही करो, अपना खुद का काम टाइम पे ख़त्म करो, स्टार्ट करो, और डिसिप्लिन रह के अपनी चीज़ों को फिनिश करो। अपने लाइफ में सीरियस रहो, अपने काम को लेके, जो भी आप चीज़ करना चाहते हो लाइफ में उसको लेके सीरियस रहो, अपने गोल को लेके आप सीरियस रहो, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। देन वी हैव एफर्ट, तो यस, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। सो हनुमान जी भी ये कह रहे हैं कि एफर्ट की कमी है थोड़ी सी, सो एफर्ट लगाओ। जैसे ही एफर्ट आपकी साइड से थोड़े से भी दिखेंगे ना यूनिवर्स को कि हाँ ये पर्सन एफर्ट लगा रहा है, तो आपकी जो विश है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए आपकी आपकी साइड से। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। सो यस, हनुमान जी कह रहे हैं कि अभी सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो शायद मनी वाइज हो सकती है प्रॉब्लम, कि आपकी मनी इनकम नहीं है या फ्लो नहीं है, या फिर जो जॉब चेंज करनी है, या फिर यू नो कोई ना कोई प्रॉब्लम विथ योर करियर और मनी, तो वहाँ ध्यान दो। आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है इस टाइम, आपका आप डिस्ट्रैक्टेड हो अपनी लाइफ में। सो पे अटेंशन, थोड़ा खर्चा कम करो, सेव करो। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, सडनली आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, सडनली आपकी लाइफ में जो टेंशन थी ना वो दूर हो जाएगी, सो सडनली एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। अगर आप प्रेयर कर रहे हो डेली, अगर आपको विश्वास है यूनिवर्स पे और आप एफर्ट्स लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में, तो चीज़ें होंगी आपके साथ सही। हैप्पीनेस, तो आपकी जो तो दुख दर्द है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाएंगे, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन सून। एंड न्यू जॉब करियर, तो अगर आप नया जॉब या नया करियर अपनी लाइफ में या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी न्यू जॉब एंड करियर से लिंक भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप अपना करियर स्विच करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो भी वो चीज़ जो है वो आपके लिए यहाँ पॉसिबल हो सकती है। एंड अगर आप लोग बिल्कुल ही यू नो एक नई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, तो वो चीज़ भी यहाँ है। लेकिन ज़रूरत जो है ना वो है एफर्ट की और सेल्फ डिसिप्लिन की, कि आप कितने खुद डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, तो वो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हनुमान जी चाह रहे हैं कि आप अपने साइड से भी एफर्ट लगाओ और टेंशन कम लो, थोड़ा पॉजिटिव रहना सीखो लाइफ में, जो होता है सही होता है और जो होता है राइट टाइम पे होता है। ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग फ्रॉम हनुमान जी। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।